दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व के साथ बिहार बीजेपी कोर कमेटी का मंथन, बैठक में अमित शाह और जेपी नड्डा की भी मौजूदगी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आईटीबीपी की बस खाई में गिरी, हादसे में 8 जवान शहीद, अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी से लौट रहे थे सभी। मुंबई पुलिस ने 513 किलो ड्रग्स की जब्त, 1000 करोड़ रुपए से अधिक है कीमत, 7 गिरफ्तार। टीम इंडिया में पहली बार शामिल हुए शहबाज अहमद, वॉशिंगटन सुंदर की जगह मिला मौका, जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए शहबाज को टीम में किया गया शामिल। अपने में लपेटे हुए परिवारवादी राजनीति परिवार की भलाई के लिए होती है, हिंदुस्तान के राजनीति के शुद्धिकरण के लिए भी, हिंदुस्तान की सभी संस्थाओं के शुद्धिकरण के लिए भी हमें देश को इस परिवारवादी मानसिकता से मुक्ति दिला करके योग्यता के आधार पर देश को आगे ले जाने की ओर बढ़ना हो। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 में, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। इंडिया की सबसे बड़ी डिबेट और सबसे बड़ा सवाल सिर्फ ये है कि आजादी के यानी स्वतंत्रता के 75 वर्षों के बाद हम ये ढूंढ रहे हैं कि सबसे बड़ी समस्या आखिर जो है तो क्या है जो देश को प्रगति के पथ पर बहुत तेजी से नहीं चलने दे रही है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या है और भ्रष्टाचार के खिलाफ न सिर्फ एक अभियान बल्कि जागरूकता पैदा करने की कोशिश है, और उन्होंने आगे यह भी कहा कि भ्रष्टाचार बढ़ता है नेपोटिज्म से, भाई भतीजावाद से। लेकिन फिर उसके बाद जो उन्होंने बात कही वो बात उन्होंने कोई पहली बार नहीं कही बल्कि पिछले कई वर्षों से प्रधानमंत्री बार बार इस बात को आवाम के सामने, जनता के सामने दोहराते रहे हैं कि जो वंशवाद की राजनीति है उसने देश की प्रगति में बहुत रोड़ा अटकाया है। यह प्रधानमंत्री कहते रहे हैं और एक बार फिर उन्होंने इस बात को कहा है कि परिवारवाद की जो राजनीति है यानी जो परिवारवाद है और उससे जुड़ी ये तमाम बातें, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार, इन सब का आपस में एक इंटरलिंक्ड है, ये सब आपस में जुड़े हैं और इससे खतरा सबसे ज्यादा किसी को है तो वो है लोकतंत्र को। तो सवाल इस बात को लेकर है कि क्या वाकई सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ी वजह यही है? क्या सबसे बड़ी वजह यह है कि वंशवाद की राजनीति, और वंशवाद की राजनीति की आखिर परिभाषा क्या होगी? क्या सिर्फ इस तरह से समझना कि किसी एक राजनेता का या सियासत में जिसने काफी समय दिया है उसके किसी बेटे या बेटी या भाई या भतीजे का सियासत में आना, क्या यह परिवारवाद है? या परिवारवाद वो है जो अक्सर बीजेपी के लीडर कहते रहते हैं कि जहां से नेतृत्व का परिवर्तन होता है, जहां से नेतृत्व होता है उसमें परिवार के लोगों को ही बार बार या ज्यादातर बार जगह मिलना। इसमें बहुत ही बारीक एक फर्क है और इस फर्क को समझना जरूरी है, चूंकि प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से इस तरफ इशारा दिलाया है। तो क्या जो विपक्ष की पार्टियां हैं क्या वो इस बात को लेकर तैयार हैं कि ये जो सवाल खड़ा किया गया है एक बार फिर, क्या वो इसके जवाब के साथ तैयार हैं? क्या उन्हें नहीं लगता कि वंशवाद की राजनीति से देश की प्रगति पर जो रफ्तार है उसकी वो कम हो रही है, वो धीमी हो रही है, और इसमें छुपी सियासत कितनी है, सियासत में वंशवाद कितना है, वंशवाद की परिभाषा क्या है? ऐसे कई सवालों के साथ हम आज प्राइम डिबेट इंडिया में अपने साथ कई मेहमानों के साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ 5 खास मेहमान जुड़े हैं इस विषय पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ है एडवोकेट आरएस पठानिया जो स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता है जम्मू कश्मीर बीजेपी के। हमारे साथ हैं वरिंदर सिंह सोनू जो प्रवक्ता है जम्मू कश्मीर
पीडीपी के हमारे साथ हैं नरेश चौहान जो वाइस प्रेसिडेंट हैं और प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, ये हमारे साथ हिमाचल से जुड़ रहे हैं, और अब्बास हैदर जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, ये हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, और प्रेम कुमार सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला मेरा सवाल एडवोकेट आर एस पठानिया आपसे होगा कि प्रधानमंत्री ने जो वक्तव्य दिया है, फिर से जो एक बात दोहराई है कि परिवारवाद, ये वंशवाद की राजनीति और राजनीति में परिवारवाद, इसे आप किस तरह से यहां पर हमारे दर्शकों के सामने बताना चाहेंगे? जिक्र किया जी, विशेषकर 21वीं सदी का भारत जिसमें डेमोक्रेसी तो है लेकिन उसके साथ साथ मेरिटोक्रेसी को प्रमोट करने की प्रधानमंत्री जी ने बात कही। ये वंशवाद एक ऐसा एक नेक्सस है, अंग्रेजी में एक शब्द है नेपोटिज्म, तो उस नेपोटिज्म के चलते ये वंशवाद ऐसा बुरा जिसे कहते हैं भारत के साइकी में फंस गया था, और खासकर राजनीतिक क्षेत्र में वंशवाद में अगर सीधी सीधी एग्जाम्पल इसकी दी जाए कि दो ही प्रधानमंत्री अभी भारत के इतिहास में, एक नरेंद्र मोदी जी और एक अटल बिहारी वाजपेयी जी, पूरे देश के जनमानस ने कहा कि इन्हें प्रधानमंत्री बनना चाहिए, और लोगों ने प्रधानमंत्री को वोट दिया। अपने सांसद को पार्टी को तो दिया लेकिन अपने प्रधानमंत्री अपने नेता को वोट दिया, ये अपने आप में इस बात की मिसाल है कि भारत का एक, भारत के जनसाधारण का एक टेक्टोनिक शिफ्ट हुआ है मेरिटोक्रेसी की तरफ, ऐसे आदमी की तरफ जो भारत को समझता है, भारत की था को, भारत की विशिष्टता को, भारत के जिसे कहते हैं पूरे धरातल को, भारत की राजनीतिक एक परिस्थिति को समझता है। तो ऐसा इसमें कोई रोक नहीं है, किसी नेता का भाई, नेता की बहन, नेता की जिसे कहते हैं को बीवी चुनाव लड़े या उसी क्षेत्र में आए, लेकिन उस नेता के कनेक्शन को, उस नेता के स्कोप के डिजर्विंग आदमी रह जाए और फिर बाद में जिसे कहते हैं वंशवाद के नाम पर इस तरीके से चले, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने तुषारपात जरूर किया है। कांग्रेस ने बिना उस पर एक सकारात्मक डिबेट करने के, राहुल गांधी जी का वक्तव्य मैंने देखा, उन्होंने उसको एक जिसे कहते हैं एक धूमिल, एक कंफ्यूज, एक कंफ्यूज करने की कोशिश की गई। आज वक्त है कि इस पे एक सकारात्मक एक बहस, एक सकारात्मक पहल सभी की ओर से उसमें। आप बिहार में ही देखें कि लालू जी एक बहुत बड़े नेता है, उनके एक बेटा वहां पे उप मुख्यमंत्री है और दूसरे बेटे उनके आज शपथ भी ले गए हैं बिहार में। अब महाराष्ट्र में ही देखें कि महाराष्ट्र में जैसे एक एकनाथ शिंदे एक ऑटो ड्राइवर से अपना उन्होंने सफर शुरू किया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तक, लेकिन चूंकि बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं उद्धव ठाकरे जी खुद मुख्यमंत्री हैं और उनके बेटे आगे उन्हीं के मंत्री हैं। देखिए ऐसा वंशवाद तो मैंने कहा कि रोक टोक नहीं है परिवार में किसी को उसी फील्ड पर जाने के लिए, लेकिन इस तरीके से एक वंश का, एक परिवार का जिसे कहते हैं एक जुटा का, और हमारे जम्मू कश्मीर में भी आज तक चंद परिवारों ने ही यहाँ पे राज और रूल किया है, परिवार डायरेक्टली तो है ही है। चलिए तो मैं जम्मू कश्मीर के ही जो दूसरे हमारे साथ मेहमान है वरिंदर सिंह सोनू जो प्रवक्ता है पीडीपी के, मैं उनके पास आना चाहूंगा। वरिंदर सिंह साहब, मेरा सवाल सीधा यही है कि जो अभी यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर यह बात कह दी गई लालू प्रसाद यादव या मुफ्ती मोहम्मद सईद से महबूबा मुफ्ती, और फिर फारूक अब्दुल्ला से उमर अब्दुल्ला, आप साउथ पे चले जाएं तो स्टालिन वहां पर आपको दिखेंगे, तेलंगाना में आ जाएं तो केसीआर के बेटे केटीआर नजर आएंगे, आप उड़ीसा चले जाएं तो वहां नवीन पटनायक नजर आएंगे, उनको भी एक विरासत मिली है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या राजनीति में वंशवाद या वंशवाद की राजनीति की परिभाषा भी किसी एक की ही जिम्मेदारी की वो तय करे, आप इसे कैसे देखते हैं? वरिंदर सिंह सोनू पीडीपी प्रवक्ता। देखिए ऐसे है कि जिस टॉपिक पे आज हम डिबेट कर रहे हैं कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है कि किसी एक परिवार का बड़ा नेता है तो आगे उसका भी चलता है, जो बड़ी पॉलिटिकल फैमिलीज होती हैं उनमें से कोई ना कोई आदमी पॉलिटिक्स में रुचि रखता है तो वो पॉलिटिक्स को समझता है और पॉलिटिक्स में रहना चाहता है तो वो भी इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में आ जाता है। लेकिन मैं थोड़ी यहां मिसाल दे दूं, मेरे दोस्त हैं पठानिया साहब, इन्होंने एक बात की है, ये तो हर पार्टी में है, अगर लालू जी के बेटे पॉलिटिक्स में हैं या आज महबूबा मुफ्ती जी पॉलिटिक्स में हैं तो अमित शाह साहब जो हमारे देश के होम मिनिस्टर हैं उनके बेटे जो हैं बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं,
और राजनाथ सिंह साहब हैं हमारे रक्षा मंत्री हैं, उनके बेटे दूसरी बार एमएलए जीते हैं यूपी में, तो और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। लेकिन मैं एक बात इसमें है कि अगर किसी का मन है, मान लीजिए कोई चीफ मिनिस्टर है, उसका बेटा उसकी बेटी कोई पॉलिटिक्स में आना चाहती है, तो वो सीधा पैराशूट से कभी नहीं आते हैं। जहां तक महबूबा मुफ्ती जी का सवाल है, मुफ्ती साहब कांग्रेस में थे तो महबूबा जी उनके साथ थे। जब 1999 में पार्टी बनाई, 96 में महबूबा जी कांग्रेस के टिकट पर बिजबिहाड़ा से जीते, वो एमएलए जीते। जब अपने 99 में पीडीपी का गठन किया तो बहुत बड़ी मेहनत महबूबा मुफ्ती जी ने उस पार्टी में की, बहुत छोटे से अरसे में उस पार्टी को सत्ता की बुलंदी तक पहुंचाया। तो उनको कोई ये विरासत में नहीं मिली, उन्होंने खुद नई पार्टी बना के नए अपना पॉलिसी प्रोग्राम लेके लोगों के बीच में गई और डट के मेहनत की, तो उस पार्टी की सरकार बनी है। लेकिन आज मैं समझता हूं कि आज देश के मुद्दे और बहुत सारे हैं। आज देश जिस जगह पर आके खड़ा है उसके ऊपर बात तो कोई करता नहीं। आज देश की इतनी अभी जैसे अभी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी एक बात कहती है कि वंशवाद की सियासत है, वंशवाद की राजनीति है। मैंने जैसे आपको मिसाल दिया, वंशवाद तो भारतीय जनता पार्टी में भी है। प्रेम कुमार धूमल साहब इनके अपना चीफ मिनिस्टर थे हिमाचल के, उनके बेटे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनके बेटे केंद्रीय मंत्री भी रहे, आज भी हैं। उससे पहले जो हमारे जयंत पाटिल जी हैं, जो सॉरी ये जो हमारे जसवंत सिन्हा साहब के बेटे हैं, जयंत सिन्हा जी, जब जसवंत सिन्हा साहब बीजेपी में थे तो उनके बेटे भी मिनिस्टर थे। तो ये बात ये है कि ये किसी एक पार्टी पर नहीं है, लेकिन मैं जहां आज हम खड़े हैं उसके ऊपर बात होनी चाहिए। आज पूरे हिंदुस्तान में ठीक है, हम ये मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन ये भी एक मुद्दा है। चूंकि प्रधानमंत्री ने जब कहा है, इतने खास मौके पर कहा है कि जब स्वतंत्रता का 75 वर्ष पूरा हो रहा है तब वो लाल किले से इस बात को कह रहे हैं, इसका मतलब इसमें विषय में गंभीरता तो है। मैं अपने दोनों बाकी जो हमारे साथ मेहमान है पॉलिटिकल, उनके पास जाने से पहले प्रेम कुमार जी आपके पास एक पहले इनिशियल जो है शुरुआती टिप्पणी चाहता हूं कि ये वंशवाद की राजनीति, मेरा सवाल सीधा ये है कि दरअसल ये जो प्रवर्ब है, ये जो नैरेटिव है, ये कब तक रहेगा? चूंकि पिछले कई सालों से ऐसा लगता है कि बिल्कुल इसके बहुत पॉलिटिकल फायदे जो है सामने आ रहे हैं, और लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि वंशवाद की राजनीति से देश को बहुत नुकसान पहुंचता है और इसका जो जुड़ाव है वो निपोटिज्म और सीधे सीधे भ्रष्टाचार से है। वंशवाद का सवाल आज अचानक पैदा नहीं हुआ है, परिवारवाद का सवाल अचानक पैदा नहीं हुआ। जब नरेंद्र मोदी जी अपनी पार्टी में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने थे 2013 में, तब भी ये सवाल था। लेकिन तब उनके डिस्कोर्स में, उनके मुद्दे में वंशवाद और परिवारवाद नहीं आया। आज क्यों आ रहा है? परिवारवाद का खतरा है या परिवार से खतरा है? ये महत्वपूर्ण सवाल है। ये वाकई वो परिवारवाद खत्म करना चाहते हैं? आप पिछले 8 साल में तो उन्होंने कभी मुद्दा नहीं बनाया, आज बना रहे हैं। तो उनको दो तरीके से देखा जा रहा है, एक तो परिवार से उनको खतरा है, गांधी नेहरू परिवार से, और दूसरा है कि जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं, क्षेत्रीय दल हैं, वहां उनको इसी नारे से उनको काउंटर करना है, तो उन्होंने ये मुद्दा उठाया। इससे पहले उनकी राजनीतिक जरूरत नहीं थी, तो वंशवाद परिवारवाद उनके उनकी भाषण में भी नहीं आता था, वो विषय नहीं होता था। दूसरी बात है कि परिवारवाद में जब कोई, जैसे वीरेंद्र सिंह जी कह रहे थे, प्रेमी जी थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा, प्रधानमंत्री ने परिवारवाद के खिलाफ या जो पॉलिटिकल डायनेस्टीज के खिलाफ पहले भी बोला है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि वो खासतौर से बिल्कुल चुनावी वक्त रहा हो और जब विपक्षी पार्टियां जो है उन्हें टारगेट करने का एक अच्छा समय रहा हो, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि उन्होंने पहले बोला है इस पर। देखिए, आपकी बात को मैं खारिज नहीं करता, लेकिन मेरी बात इसलिए सही है कि लाल किले के प्राचीर से इस बात को बोल करके उन्होंने राष्ट्रीय मुद्दा बनाया, ऐसा पहली बार हुआ। आप जो कह रहे हैं यदा कदा जरूर हुआ है, लेकिन मूल मुद्दे के तौर पर बीजेपी के घोषणा पत्र में कि हम राजनीति में परिवारवाद का सफाया कर देंगे, हम उसके लिए कैंपेन चलाएंगे, या कोई कैंपेन चलाया हो, ऐसा उदाहरण नहीं मिलता। ये बात तो उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे जब बात होती है तो कुछ उदाहरण बीजेपी के नेताओं के दिए जाते हैं, फिर बीजेपी की ओर से कहा जाता है कि इसको वंशवाद नहीं बोलते हैं, वंशवाद वो होता है कि ऑब्वियस हो कि अमुक का नेता सीएम है तो उसका बेटा सीएम ही होगा, पार्टी अध्यक्ष है तो उसका बेटा अध्यक्ष ही होगा, तो उसको वंशवाद बोलते हैं। अगर इस परिभाषा में भी आए
तो बीजेपी को लागू देखना चाहिए कि भाई अब तो ये तय हो गया है कि जिस व्यक्ति का संबंध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से होगा वही बीजेपी का पदाधिकारी होगा, वही मुख्यमंत्री होगा, वही प्रधानमंत्री होगा। अगर ये बात यहाँ है तो दोनों परिभाषाओं में ये लागू है। वो तो एक व्यक्ति का परिवार किसी परिवार किसी पार्टी पर हावी है, लेकिन यहाँ तो संघ परिवार हावी है, जो राजनीति में है भी नहीं उसके बावजूद राजनीति को कंट्रोल कर रहा है। सत्यानाश तो यहाँ हो रहा है राजनीति का, देश के लोकतंत्र का, कि डेमोक्रेटिक ढांचा को कोई बाहर से परिवार जो है वो जिसको संघ परिवार बोलते हैं वो कंट्रोल कर रहा है। ये सब अगर परिवारवाद पर बात करनी है तो पूरे परिवारवाद पर बात किया जाए, केवल आप छिटपुट राजनीतिक मकसद से एक दल को टारगेट करने के लिए परिवारवाद उदाहरण सहारा न ले। तो फिर आप ये कहना चाहते हैं कि इस पूरे वक्तव्य का मतलब या निशाना कोई एक परिवार है, कौन है वो, किसे निशाना साधा? मैंने कहा कि अब तक कांग्रेस से गांधी नेहरू परिवार रहा है निशाने पर, आगे भी रहेगा, और लेकिन अब जो है क्षेत्रीय दलों पर भी इनका निशाना बनने जा रहा है, चूंकि ये अपना प्रसार जो है आंध्रा में करना चाहते हैं, तेलंगाना में करना चाहते हैं। लेकिन आप बताइए ना, जगन रेड्डी को आप परिवारवाद का उदाहरण कैसे बोलेंगे? जगन रेड्डी के पिताजी जब दिवंगत हो गए, कांग्रेस ने उनको नेता नहीं बनाया, उसने अलग पार्टी बनाई, राजनीति खड़ा की, जगन रेड्डी क्या परिवारवाद का उदाहरण हो सकता है? आप याद किए क्या पंडित मोतीलाल नेहरू ने पंडित नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था? नहीं। क्या पंडित नेहरू ने इंदिरा गांधी को कांग्रेस में प्रधानमंत्री बनाया? नहीं। लाल बहादुर शास्त्री ने बनाया। क्या इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी को बनाया था? नहीं। राजीव गांधी प्रधानमंत्री उनकी मृत्यु के बाद हुए। और क्या राजीव गांधी ने सोनिया गांधी को किसी पद पर बिठाया? नहीं। कैसे परिवारवाद कहेंगे? ठीक है, मैं इस पे एक छोटा सा छोटी टिप्पणी लेना चाहूंगा बीजेपी के अपने, उसके बाद मैं जाता हूं नरेश चौहान के पास और अब्बास हैदर के पास। एडवोकेट आरएस पठानिया साहब, यहां पर जो प्रेम कुमार जी सवाल उठा रहे हैं कि परिवारवाद या डायनेस्टी पॉलिटिक्स जो है उसकी परिभाषा कौन तय करेगा? क्या एक फादर मदर ब्रदर सिस्टर ये परिवार है, या फिर ये भी एक परिवार है जिसकी तरफ प्रेम कुमार जी इशारा कर रहे हैं कि संघ परिवार, किस तरह से उससे जुड़े व्यक्ति ही राजनीति में चुनाव के बाद जीतने के बाद बड़े पदों पर जा रहे हैं, कई बार तो पहले पद पर चले जा रहे हैं बाद में चुनाव जीत रहे हैं, ऐसे भी चीजें सामने आ रही है। आप इसे कैसे देखते हैं कि क्या ये दोनों अलग अलग है या दोनों इससे जुड़ा हुआ नजर आता है? देखिए, प्रेम कुमार जी एक अच्छे वक्ता है, लेकिन विषय का विश्लेषण करके और विषय पे एक सकारात्मक बहस करना एक अच्छा रहता है। मैंने पहले भी कहा, कोई रोक नहीं है किसी नेता के घर से, किसी नेता का से एग्जैक्ट रिश्तेदार चुनाव में आए या उसी फील्ड में जाए, अपने दम पे आए, लोगों में अपनी एक साख बनाए, वहां पे चले, वो एक बात है। लेकिन अब इन्होंने बात की है तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा सवाल कि आजादी के बाद आज तक 70 वर्षों में आज तक इंडियन नेशनल कांग्रेस, मेरा सवाल अलग था पठानिया साहब, मेरा सवाल जो था उसको आप ध्यान से सुनिए, मेरा सवाल यह था कि परिवारवाद की परिभाषा क्या होगी? माता पिता पुत्र पुत्री ये परिवार है सियासत में, या फिर वो भी एक परिवारवाद है जिसकी तरफ प्रेम कुमार जी इशारा कर रहे हैं? देखिए, मैंने आपको कहा कि परिवारवाद सबसे पहले तो हो गया कि मेरिट को पीछे करना, मेरिट में जो आदमी है उसको पीछे करना और अपने साथ जुड़ा कोई भी आदमी, आप किसी अपने चमचे में से। मेरिट कैसे होता है? देखिए, मेरिट राजनीति में, मेरिट तो जनता तय करती है और लोगों में उसका एग्जिस्टेंस कितना है नेता का, लोगों में उसका। तो बहुत सारे हमने ऐसे अभी उदाहरण देखे हैं जहां पर कोई चेहरा किसी राज्य में था नहीं और अचानक वो सीएम बना दिया गया, चेहरा जब सीएम अनाउंसमेंट हुआ तब लोगों को पता चला अच्छा ये भी सीएम के दावेदार थे क्या? ऐसा है कि एक आम आदमी, एक एसटी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, एक जिसे कहते हैं किसान का बेटा इस देश का उपराष्ट्रपति बन सकता है, ये एक एग्जैक्ट एग्जांपल है। और एक चाय बनाने वाला देश का प्रधानमंत्री दूसरी बार लोगों के वोट के द्वारा। मैं आपके पास आता हूं, फिर काफी देर से मैंने नरेश चौहान जी को बैठा रखा, नरेश चौहान जी मैं आपके पास आ रहा हूं, अब्बास सदर साहब आप भी थोड़ा रहिए, अभी वक्त है हमारे पास। नरेश चौहान, ये कई बार मुद्दा उठता रहा है, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि लाल किले की प्राचीर से और बिल्कुल जैसे फिल्म के क्लाइमेक्स की तरह भाषण के बिल्कुल आखिर में बहुत ही जोरदार तरीके से प्रधानमंत्री ने चोट किया है परिवारवाद पर। और सिर्फ परिवार, उन्होंने कहा है कि परिवारवाद का मेरा मतलब अक्सर लोग राजनीति से समझ जाते हैं, राजनीति तो है ही लेकिन दूसरे संस्थाओं में भी निपोटिज्म, भाई भतीजावाद, ये देश की प्रगति को नुकसान पहुंचा रहा है और जो आम जनता है, जो मेरिटोरियस लोग हैं, उनकी जो आकांक्षाएं हैं, उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हो रही है।
नरेश चौहान, देखिए यहाँ दो सवाल आपने किए हैं। पहला सवाल है सीधा परिवारवाद से। अगर हम इस परिवारवाद को राजनीतिक क्षेत्र में देखें तो मुझे लगता है ये आगे भी चलता रहेगा। ये ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने इसको एक बहुत बड़ी समस्या 75 साल की आजादी के उपलक्ष्य में समझा। मैं समझता हूँ क्या देश में आज केवल एक ही समस्या थी, परिवारवाद ही हमारी सबसे बड़ी समस्या है जिससे हमारे देश को तरक्की नहीं कर पा रहा या आगे नहीं बढ़ रहा या फ्यूचर में सबसे बड़ी समस्या के रूप में रहेगी। क्या आज और देश के अंदर और समस्या नहीं थी जो इसको एड्रेस किया जा सकता था? क्या बेरोजगारी और महंगाई कम समस्या? या फिर आप, या फिर मैं ये जानना चाहता हूं कि कांग्रेस क्या परिवारवाद को समस्या मानती है या नहीं मानती है? सवाल ये है कि परिवारवाद किस पार्टी में नहीं है। दूसरा सवाल कि क्या जब कोई व्यक्ति इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से आता है तो उसका सवाल क्या रह जाता है? जब लोकतंत्र में जनता चुनके भेजती है तो इसमें आप परिवारवाद की परिभाषा कैसे आप सेट करोगे? ये एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरी बात कि हर दल में है लोग आएंगे, आप मेरे परिवार में मैं राजनीति में हूं तो क्या मेरे बच्चों को या आने वालों के लिए दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे? वो अपने आम कार्यकर्ताओं की तरह हर पार्टी में लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो उनकी डिमेरिट नहीं हो सकती कि मेरा फादर जो है राजनीति में है तो उसके बच्चे अब राजनीति में नहीं आएंगे। ये कौन सा लोकतंत्र है? लोकतांत्रिक परंपरा में अगर लोग चुन के आते हैं तो उस परिवार की उतनी परिवारवाद की उतने खतरनाक नहीं है जो आजादी से पहले था या रजवाड़ा शाही में था। जो एक राजा है उसका आगे बेटा बनता था, वो परिवारवाद था। लेकिन जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो लोग इसमें परिवारवाद में हर आदमी को मौका मिलना चाहिए। हर पार्टी अपने लेवल पे तय करती है कि उनके क्षेत्र में उनके दल में किस तरह से बच्चे आगे आएंगे। आम कार्यकर्ता के रूप में उनको मौका मिलता है, वो अपने आप को प्रूव करते हैं और लोग चुन के भेजते हैं। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी देश का जो ध्यान है उसको बटाने के लिए ये बहुत सोचा समझा, बहुत राजनीतिक जो मुद्दा उठाया उन्होंने कि देश इस वक्त बड़ी समस्याओं से गुजर रहा है। साफ तौर पे जो हालात बने हैं बेरोजगारी और महंगाई को लेके वो बहुत चिंताजनक है। अर्थव्यवस्था अपने आप में चिंताजनक स्तर पे जा रही है। इन मुद्दों पे चर्चा ना हो तो प्रधानमंत्री जी की ये माहियत रही है कि वो एक एजेंडा तय करते हैं देश के मीडिया के लिए, देश के लोगों के लिए वो उन्होंने तय किया है। मुझे नहीं लगता कि केवल एक ही समस्या आज देश के पास 75 साल के बाद थी। साहब क्या आप बात से इत्तेफाक रखते हैं जो नरेश चौहान कांग्रेस के लीडर कह रहे हैं? आपने पहले भी कहा कि भाषा और परिभाषा, मैंने फिर दोबारा रिपीट करूंगा कि किसी बड़े नेता के घर से किसी को उसी फील्ड में जाना ये परिवारवाद नहीं हुआ। लेकिन क्या पॉलिटिकल पार्टी, जैसे मोनार्की का एक डेफिनेशन था कि राजा का बेटा ही, मैंने आपको लिविंग एग्जांपल दी कि पिछले 70 वर्ष में कांग्रेस का रिमोट कंट्रोल गांधी परिवार से। तो अभी प्रेम कुमार ने बहुत डिटेल में वो बात बताई है, मेरा सवाल अभी आपसे ये परिवार से हूँ। 70 वर्ष में कांग्रेस का कंट्रोल और आधी कांग्रेस में G23 बगावत भी हुआ, लोगों ने उन्होंने कांग्रेस के लोगों ने खुद कहा कि अब इस डायनेस्टी कल्चर को खत्म करें, लेकिन वो बात नहीं जा रहा। दिस इज ये एक लिविंग एग्जाम्पल से क्या जीती जाल का एक उदाहरण है परिवारवाद का जो कांग्रेस आज कर रही है। और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा इस पर एक डिबेट होना चाहिए कि डेमोक्रेसी को प्रजातंत्र को बहुत बड़ा खतरा एक करप्शन रिश्वतखोरी और दूसरा परिवारवाद से। नरेश चौहान जवाब दीजिए। हमें परिवारवाद ठाडिया जी से सीधी बात पूछना चाहता हूँ। परिवारवाद से आपको खतरा है कि आप उस चीज से खतरा है जिसमें बोलने के लिए भाजपा है केवल फैसले एक ही आदमी लेता हो नरेंद्र मोदी जी, वो खतरनाक नहीं है? वो लोकतंत्र है क्या? लोगों ने 543 लोगों को चुन के भेजा, 300 कुछ लोग भाजपा के चुना। आप किसी के 10 लोगों के नाम बता सकते हैं कौन मिनिस्टर जो मैटर करते हैं जिनको लोग जानते हैं? केवल नरेंद्र मोदी और पीएमओ फैसले लेते हैं, तो ये लोकतंत्र है क्या? ये खतरनाक नहीं है देश? चलिए अब्बास हैदर, मैं आपके पास आता हूं। अब्बास हैदर आपके पास आता हूं, जैसा प्रेम कुमार जी ने कहा कि दरअसल निशाना सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि क्षेत्रीय छत्रप जो कहे जाते हैं वो भी हैं, और वो उत्तर प्रदेश में उनमें से एक है, उनमें से एक बिहार भी है, उनमें से एक तेलंगाना भी है, उनमें से एक महाराष्ट्र भी है, उनमें से एक ओडिशा भी है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं और क्या वाकई ये एक बड़ा चैलेंज बनने जा रहा है? चूंकि जिस तरह से जोड़ा गया है परिवारवाद, निपोटिज्म, भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता, आवाम के दिलों में इनके प्रति नाराजगी होनी चाहिए। अब्बास विशाल भाई, देखिए प्रधानमंत्री जी जब देश के आजादी के दिन
लाल किले से भाषण देते हैं तो उसमें लोगों की बहुत उम्मीदें होती हैं, और इस दिन मुझे लगता है राजनीति से परहेज करना चाहिए। देश को जोड़ने वाली, देश को सबको मिलकर के कैसे साथ चला जाए, इसके बारे में बात होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश 80 मिनट की जो प्रधानमंत्री जी की भाषण था, मैं उसे भाषण ही कहूंगा क्योंकि सिर्फ भाषण ही होता है उनका, उसमें जो है एक शब्द महंगाई के बारे में नहीं बोला, एक शब्द बेरोजगारी के बारे में नहीं बोला, एक शब्द काला धन जो आना था विदेशों से स्विस बैंक से उसके बारे में नहीं बोला, जो 8 साल में 14,000 करोड़ से बढ़ के 30,500 करोड़ हो गया। हाँ, दो बातें उन्होंने बोली, एक बात उन्होंने बोली भ्रष्टाचार को लेकर के और एक बात उन्होंने बोली परिवारवाद को लेकर के। अब परिवारवाद शायद वो संघ परिवार के बारे में बात कर रहे थे, जिसका मुझे लगता है उनकी सरकार में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप है, जिससे वो बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है खिलने लग रहे थे, शायद उसके बारे में बात कर रहे हो। और भ्रष्टाचार की उन्होंने बात करी तो उन्होंने एक शब्द बोला कि भ्रष्टाचारियों के लिए हमारे देश के लोगों में उदारता है, तो मुझे लगता है भ्रष्टाचारियों के लिए उदारता प्रधानमंत्री जी के दिल में है, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचारियों की लिस्ट है, चाहे वो आपके निशंक जी हो, चाहे वो येदुरप्पा हो, चाहे वो आप कितने नेता, अभी देखिए कॉन्विक्ट भी हो गए राकेश सचान उत्तर प्रदेश में, संजय निषाद, बहुत लंबी फहरिस्त है नेताओं की, तो उनके लिए जिस तरीके से उदारता दिखती है भारतीय जनता पार्टी में वो हम सबके सामने है। अब परिवारवाद, अगर ये नेपोटिज्म की बात कर रहे थे तो बहुत लंबी फहरिस्त है, वो पंकज सिंह से लेकर के और पंकजा मुंडे से लेकर के और आप समझ लीजिए आशुतोष टंडन, पूनम महाजन, दुष्यंत सिंह और अभिषेक विजयवर्गीय, और बहुत ही लंबी फहरिस्त है। रमन सिंह जी के बेटे प्रेम कुमार धूमल जी, उनके बेटे अनुराग ठाकुर केंद्र में मंत्री कैबिनेट, इस तरह की बहुत लंबी फहरिस्त है इस परिवारवाद की जो बात करते हैं। तो मुझे लगता है अगर प्रधानमंत्री जी सिर्फ कोरी भाषणबाजी ना करके किसी चीज पे काम करें, आज इन्होंने क्या किया, देश को एक विमर्श का आप समझ लीजिए एक विषय दे दिया, जो विषय जो देश की असल समस्याओं से बहुत दूर है, जिन समस्याओं से देश के आम नागरिक जूझ रहे हैं प्रतिदिन, जिस तरह एक शब्द उन्होंने जो मुजाहिदे आजादी थे उनके लिए नहीं बोला, किस प्रकार से हमारे मुल्क को आजाद करने के लिए सबने अपना खून दिया, हर मजहब के लोगों ने, हिंदू मुसलमान का नाम लिया है, ऐसी बात नहीं, ये नाम लिया है उन्होंने, बहुत सारे नाम लिए जी। देखिए ये उन्होंने एक शब्द ये नहीं बोला कि इस मुल्क को आजाद कराने के लिए सबने अपना खून दिया है, सबने अपने किस, उन्होंने एक शब्द मेरा, मेरा सवाल आपसे छोटा सा ये है, सवाल के जवाब लेंगे फिर हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। अब्बास मेरा सवाल ये है, आपने जितने भी लिस्ट गिनाए हैं जिनमें बीजेपी के कई नेताओं के आपने नाम लिए, एक नाम आप असम वाला शायद भूल गए, मेरा सवाल ये है कि आप ये क्यों समझ रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने सिर्फ आपकी पार्टी के लिए बोला है, आप ये इसको क्यों नहीं समझ रहे उन्होंने सारी पार्टियों के लिए बोला है, उससे बीजेपी भी क्यों ना शामिल हो, इसे आप ऐसे क्यों नहीं लेते? मैं देखिए बिल्कुल मैं आपसे मैं कह रहा हूं कि देखिए अगर बहुत सीधी सी बात है, लोकतंत्र में जनता फैसला लेती है किसे चुनना है किसे नहीं चुनना, अगर कोई चुन के आता है जनता उसको अपने माथे बिठाती है, उसको मौका देती है अपनी सेवा करने का। देखिए एक बहुत ही बुनियादी बात यह है कि राजनीति एक सेवा का क्षेत्र है, राजनीति कोई प्रोफेशन नहीं है, कोई पेशा रोजगार नहीं है, ये सेवा का क्षेत्र है, और हमारा संविधान सबको मौलिक अधिकार देता है कि वो जन सेवा के लिए राजनीति में आए। अगर ये हो जाए कि भाई विशाल साहब आप टीवी एंकर हैं, आपका बेटा टीवी एंकर नहीं बन सकता, तो ये गलत है। अगर उसको इस चीज में इंटरेस्ट है तो वो आ सकता है, अगर किसी को जनता की सेवा करने के राजनीति में आना है और वो किसी नेता का बेटा है तो उससे अधिकार छीनना मौलिक अधिकारों का हानि। चलिए आप लोगों के साथ बताते हुए कि अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक से पहले सिर्फ ये जानना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं, क्योंकि अब मेरा सवाल आप तमाम मेहमानों से, प्रेम जी आपसे भी यही होगा कि आपने खुद कहा कि पहली बार लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने इस मुद्दे को, इस समस्या को लोगों के सामने रखा है, तो हम ये क्यों समझ लें कि लोग जो है इस समस्या को सिर्फ किसी एक पार्टी में ही ढूंढेंगे या दो पार्टी में ढूंढेंगे, लोग इस समस्या को क्यों नहीं ढूंढेंगे और क्यों नहीं पहचानेंगे, जो नाम अभी गिनाए आपने इससे पहले या अभी अब्बास ने नाम गिनाए कि इतने लोग हैं खुद सत्ताधारी दल में भी जो बाप बेटे भतीजे या भांजे हैं, तो क्या कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने जनता को इस प्रति, इसके प्रति एक जागरूक करने का एक बहुत बड़ा एक ऐलान कर दिया है, एक मतलब ध्यान खींचा है, इस पर हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, अब बने रहे हमारे साथ।
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पर प्राइम डिबेट इंडिया। तो सबसे अहम सवाल यह है जो प्रधानमंत्री ने यह सवाल उठाया है कि आखिर कब तक हो पाएगा भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद और राजनीति में वंशवाद का खात्मा। इसके लिए उन्होंने लोगों का सपोर्ट मांगा है और साथ ही यह कहा है कि इसे खत्म करना बेहद जरूरी है देश की प्रगति के लिए। जो जब 100 साल देश के पूरे होंगे तो ये तमाम चीजें खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि पहली बार अगर प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को यानी परिवारवाद, खासतौर से राजनीति में जो परिवारवाद का जिक्र उन्होंने किया है और नेपोटिज्म का अलग अलग संस्थाओं में किया है, तो क्या यह वाकई एक बहुत बड़ी समस्या है या फिर यह समस्या उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी बताई जा रही है। अगर यह समस्या है तो यह समस्या किन किन पार्टियों में है, क्या सत्ताधारी दल में यह समस्या नहीं है। मैं अब डिबेट के दूसरे भाग में आ रहा हूं। शुरुआत करना चाहूंगा प्रेम कुमार जी, आपके पास मैं आता हूं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। प्रेम कुमार जी, मेरा जो सवाल था कि जिस तरह से कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी कमियां भी सामने लाते हैं, मतलब मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या अगर जब इस समस्या को कि राजनीति में वंशवाद इतने बड़े पैमाने पर एक बड़े प्लेटफॉर्म से कहा गया है खास मौके पर, तो क्या इस जागरूकता के तहत लोगों को यह नहीं पता चलेगा कि किन किन पार्टियों में और कौन कौन से ऐसे नेता या एमएलए या एमपी या मंत्री हैं जो वंशवाद की राजनीति से यहां तक पहुंचे। विशाल जी, वंशवाद और परिवारवाद को खत्म करने की सीधे जिम्मेदारी डेमोक्रेसी में आम जनता के पास नहीं है। मैं इसको इसलिए बोल रहा हूं कि हमारे देश में राजनीतिक दलों का आंतरिक लोकतंत्र है और आंतरिक लोकतंत्र को जब तक पार्टी में जिंदा नहीं रखा जाएगा, जनता के पास विकल्प नहीं है। वो वंशवाद से आएगा कि परिवार से वाद से आएगा, उसको तय करें। अब अगर 2013 में नरेंद्र मोदी जी को संघ परिवार ने चुन लिया कि इनको चेहरा बनाया जाए और बीजेपी ने उस पर मोहर लगा दिया और लाल कृष्ण आडवाणी जी विरोध करते रह गए, जो सर्वे सर्वा थे, पार्टी सब उनको मानती थी, कहां गया इनर डेमोक्रेसी। तो यानी पार्टी में आज भी, दूसरी पार्टी में भी ऐसे ही है, मैं केवल बीजेपी नहीं कहता। मान लीजिए आज राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दिया कांग्रेस से, उसके बाद कोई अल्टरनेट विकल्प नहीं है। पार्टी ने अब तक कोई आम सभा या ऐसी कोई जो अंदरूनी, जिसको लोकतंत्र बोलते हैं, उसमें मौका ही नहीं दिया। पार्टी के भीतर अंदरूनी लोकतंत्र है ही नहीं एक्टिव होने के लिए कि कोई राहुल गांधी जी का विकल्प ढूंढे। तो जो कार्य समिति बनी हुई है वो लंबे समय से मनोनयन सिस्टम पर है। ये तो दो बड़ी पार्टियों के उदाहरण है, बाकी सभी पार्टियों में भी इनर डेमोक्रेसी का यही हाल है। तब इस स्थिति में परिवारवाद और वंशवाद के बारे में बोलते हुए आम जनता को बोलना, ये तो सिर्फ दिखावा ही है ना। अगर आप इनर डेमोक्रेसी को मजबूत कर दीजिएगा, परिवारवाद ऐसे ही खत्म हो जाएगा। ये मूल बात है जी। मैं आपके पास आना चाहूंगा, पीडीपी से हमारे साथ कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं वरेंद्र सिंह सोनू साहब। फिर से मैं आपके पास आना चाहता हूं, क्या प्रेम कुमार जी जो कह रहे हैं कि पार्टियों के अंदर, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर का जो अंदर की जो डेमोक्रेसी है, वहां का जो लोकतंत्र है वो भी मुरझा रहा है, उसे खाद पानी नहीं मिल पा रहा है। किसी को भी आपने चुन लिया, किसी को भी आपने अध्यक्ष बनाया, किस तरह से बनाया, आपने चुन लिया, चुने जाने के बाद आपने उम्मीदवार बना दिया, तो आवाम के पास ये ऑप्शन आता है कि भाई इसको हम हां कहें या ना कहें, लेकिन पार्टी के अंदर का लोकतंत्र, क्या यह एक गंभीर समस्या नहीं है?
देखिए ऐसे है कि जो आप अभी बात कर रहे हैं पार्टी के इनर अंदर के लोकतंत्र की, भाई ऐसे कोई किसी को प्रधान तो बना नहीं देता है, प्रेसिडेंट तो बना नहीं देता है। और दूसरी बात यहां बिल्कुल क्लियर है कि जनता जनार्दन है, फैसला जनता करती है, पार्टी टिकट देती है, मैंडेट देती है, वोट लोग डालते नहीं, किसी पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा ये जनता का तय करती है। नहीं नहीं तो मेरी बात मोहम्मद सईद के बाद महबूबा मुफ्ती ही पार्टी के अध्यक्ष होंगे, क्या ये जनता से पूछा गया था? सुनिए बिल्कुल मेरी बात सुन लीजिए। हमारी पार्टी की जनरल काउंसिल जो थी उसने जो फैसला किया था, मैं आपको थोड़ा बता दूं कि जब मुफ्ती साहब पार्टी के अध्यक्ष थे तो मुफ्ती साहब जब चीफ मिनिस्टर बन गए तो चीफ मिनिस्टर बनने के बाद मुजफ्फर हुसैन बेग साहब को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया और मुजफ्फर हुसैन बेग साहब ने ही 2.5 साल के बाद जनरल काउंसिल की मीटिंग में ये एक प्रस्ताव लाया कि मैं सेहत ठीक ना वजह होने के कारण मैं सरकार और दोनों चीजें नहीं चला सकता, तो मेरी है कि अपना नया अध्यक्ष जो चुनिए। और जनरल काउंसिल ने यूनानिमसली फैसला किया, ये थोड़ी नहीं था कि मुफ्ती साहब ने घर से ऑर्डर कर दिया, ऐसा नहीं है, वो यूनानिमसली एक फैसला हुआ जनरल काउंसिल में, सबसे पूछा गया, सबकी राय थी महबूबा मुफ्ती जी को पार्टी का सदर बना दीजिए। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जैसे प्रेम कुमार जी अभी कह रहे थे भी ये तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी में है, किसी एक में नहीं है, किसी का रोक भी नहीं है, ऐसा कोई देश में कानून तो नहीं है ना कि एक फैमिली से दूसरा आदमी वहां नहीं आ सकता। लेकिन जो मसला है, जो मैं एक बात कहना चाहता हूं, हम लोग बड़ी बेसब्री से प्राइम मिनिस्टर साहब के एड्रेस का वेट कर रहे थे कि वो लाल किले से क्या कहेंगे। आज देश में समस्याएं हैं, मैं चाहता हूं कि 2 मिनट जरा मुझे आप बोलने दीजिए। एक तरफ से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, 8 साल से ये शासन कर रहे हैं और बड़े मैंडेट से कर रहे हैं, मुझे बताइए इनको 8 साल के बाद याद आया कि वंशवाद है, यहां भ्रष्टाचार है? भाई भ्रष्टाचारियों को तो आप लोगों ने पनाह दी, आप प्राइम मिनिस्टर साहब ने लाल किले से एक बात कही जिन्होंने बैंकों के पैसे खाए हैं। भाई मुझे बताइए जब विजय माल्या बैंक के पैसे खा के फॉरन चला गया तो मरहूम अरुण जेटली साहब तो उसके वकील थे, वो कैबिनेट में भी मंत्री थे, उसके वकील भी थे। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि भ्रष्टाचारियों को पनाह किसने दी, भ्रष्टाचारियों को रास्ता किसने दिया? मालिया साहब पैसे लेके चले गए और बहुत सारे लोग हैं वो बैंकों के करोड़ों रुपए लेके चले गए, तब तो इनको याद नहीं आई। जब वो वहां जाके सेटल हो गए, देश गाल कर दिया आपने, दिवालिया बैंकों को आपने निकाल करके रख दिया, आज आपको ये याद आ गई यहां भ्रष्टाचार हुआ है, और शुक्र है आपको याद तो आ रहा है भ्रष्टाचार। भाई भ्रष्टाचार की जननी इस सरकार ने किया है। मैं आपसे 2-3 चलिए इस पे फिर और बात हम कर सकते हैं, लेकिन अभी समस्या ऐसी है कि क्या किसी भी तरह से ये जो लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है जिसे परिवारवाद का नाम दिया जा रहा है, नेपोटिज्म का, क्या ये वाकई खतरनाक है? नरेश चौहान साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं, आखिर ऐसा क्यों है कि कांग्रेस जो इतनी बड़ी पार्टी है और आजादी से पहले की पार्टी है, उस पार्टी का एक अध्यक्ष अभी तक क्यों नहीं है? क्या ये इशारा और ये क्या मौका नहीं देता है दूसरी विपक्षी पार्टियों को कांग्रेस पर निशाना साधने का कि अध्यक्ष बनेगा तो किसी परिवार का ही कोई व्यक्ति बनेगा, नहीं तो कोई नहीं बन सकता? आखिर क्यों नहीं अध्यक्ष कांग्रेस के पास अभी जो एक्टिव हो, कार्यकारी ना हो? देखिए इसमें 2 सवाल है। पहली बात है कि राहुल गांधी जी ने जब चुनाव हारे तो उन्होंने एक अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझते हुए पार्टी अध्यक्ष से चुनाव अपना जो है इस्तीफा दिया और पूरे हाउस के अंदर कहा कि आप, मैं जो है अपना पद छोड़ रहा हूं, आप जिसको चाहें जो चाहें कांग्रेस पार्टी अपना नया अध्यक्ष बनाए। तो उन्होंने तो अपनी नैतिकता समझी, अपने आप को पीछे हटाया और काफी समय हो चुका उनको इस बात के लिए। तो वो अगर उनके लिए कुर्सी अहमियत रखती, पद अहमियत रखता तो उनको किसका दबाव था? कोई दबाव नहीं था उनका, वो अपना फैसला था। कोई दबाव नहीं था, क्यों दबाव नहीं था, क्या उनके लिए नैतिकता का दबाव एक बड़ा दबाव? मेरा सवाल, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि अगर वो उस वक्त भी ऑफर ना करते रिजाइन तो उनके ऊपर कोई दबाव थोड़ी था, उनकी अपनी सोच थी कि मुझे, मैं डिलीवर नहीं कर पाया मेरी अध्यक्षता में। लेकिन मेरा सवाल अब ये है ना कि पार्टी चलाना है तो क्या राहुल या प्रियंका बनेंगी तभी कोई अध्यक्ष बनेगा मुस्तकिल परमानेंट, नहीं तो कोई जो है कार्यकारी ही होता रहेगा? आखिर इतना लंबा समय जो ले लिया गया है अध्यक्ष चुनाव से पहले पहले, अभी भी अध्यक्ष का नाम कोई तय नहीं है, तो क्या ये कांग्रेस पार्टी अपनी विपक्षी पार्टियों को एक मुद्दा बैठे बैठाए नहीं दे रही है? नहीं, ये ठीक है कि इस पे विचार हो रहा है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी कांग्रेस पार्टी एक रेगुलर प्रेसिडेंट होने वाले हैं और वो राहुल गांधी जी होंगे, और जैसी लोगों की, वर्करों की पूरे देश के अंदर चाहते हैं कि राहुल गांधी जी इसको संभालें, आगे बढ़ाएं।
लेकिन अभी सोनिया जी चला रही हैं, वो एक वर्किंग प्रेसिडेंट पहले भी रही हैं, और उनका एक ऐसा वजूद है देश के अंदर की जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रेम जी ने अभी जो सवाल उठाया है कि पार्टियों के अंदर का लोकतंत्र ही जो है वो खतरे में है, वही कमजोर है, तो यहां पे ये बात सही साबित हो रही है कांग्रेस के लिए खासतौर से? नहीं, प्रक्रिया होती है हर राज्यों में भी, आप समझें तो कांग्रेस पार्टी के यूनिट्स होते हैं, वहां प्रॉपर लोकतांत्रिक तरीका से लोग बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं स्टेट के अंदर, लेकिन उसके बाद पूरा एक AICC के सेशन में जो पूरे देश के अंदर कार्यकर्ता पूरे हर राज्य से आते हैं, उसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो है इस भी चाहे जितने भी चुनाव हो जाए देश राज्यों के चुनाव से आते हैं अलग राज्यों बिल्कुल की। राज्यों में हर राज्यों में चुनाव प्रक्रिया से गुजरते हैं, इनर डेमोक्रेसी पार्टी की काम करते हैं। पठानिया साहब, आप कैसे देखते हैं इसे? कांग्रेस का अभी तक एक जो अध्यक्ष होना चाहिए वो नहीं है, अंतरिम अध्यक्ष से काम चल रहा है, क्या बीजेपी का इशारा इस पर भी बार बार होता है कि वहां पार्टी में कोई एक ही बैठेगा जो उस परिवार का हो? बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक नब्ज पकड़ी है। पिछले कई दशकों से कांग्रेस एक परिवार से बाहर निकल नहीं रही, एक विशिष्ट सबसे पुरानी पार्टी है जिसने आजादी की फ्रीडम स्ट्रगल में अपना योगदान दिया, लेकिन कांग्रेस उस परिवार से बाहर आ नहीं रही। और वंशवाद की राजनीति ना सिर्फ जिसे कहते हैं एक राजनीतिक माहौल को, बल्कि प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जन साधारण का एक जन एक सामूहिक मन, वेरी सिंपल पब्लिक ओपिनियन, एक कलेक्टिव पब्लिक ओपिनियन लोगों का खुल के सामने आए, लोग अपनी मर्जी से चुने, खुली हवा में जिसे कहते हैं माहौल बने, माहौल पनपे। और मैंने पहले भी कहा कि को रोक नहीं है, बीजू पटनायक जी के बेटे नवीन जी आज वहां पे मुख्यमंत्री हैं, वहां पे काम कर रहे हैं, तो रोक नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है कि उस परिवार के बिना आएगा ही कोई नहीं। देखिए, इस वंशवाद को सिर्फ आपने पूछा मामा भांजा भाई भतीजा से बाहर निकल के देखें, आप अपने चमचों को अपने जुंटा को, अगर मैं एक बार आपको ले जाऊंगा, एक लेख है कुलदीप नैयर जी का, इंदिरा गांधी दी डिस्ट्रॉयर, उसमें वो डिपिक्ट करते हैं उनके पूरे टेन्योर को, किस तरीके से रीजनल सेटअप्स जिसे कहते हैं, जो क्षेत्रों के अपने क्षेत्रीय नेता थे, उनको जिसे कहते हैं राजनीति के कत्ल करके, और फिर वहां पे एक हल्के फुल्के लोगों को वहां पे, किसी को मुख्यमंत्री, किसी को वहां के क्षेत्रीय नेता प्रमोट किया गया, बड़ी कड़ी बद तरीके से पॉइंट आउट करते हैं। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी का जो वंशवाद का जो तुषारा पाता है उसमें ये भी आता है। आपको मेरिटोक्रेसी, देखें आपने, मैं आपकी बात से बिल्कुल इतफाक राय रखता हूं, आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने हर पॉलिटिकल पार्टी में, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को भी कहा कि हमें भी और एक पॉलिटिकल कल्चर बने जिसमें मेरिटोक्रेसी प्रमोट हो। उस मेरिटोक्रेसी प्रमोशन में मेरा भाई, मेरा भतीजा, मेरा जिसे कहते हैं शागिर्द, हम से के बड़ी छोटी लैंग्वेज में चमचा भी कह देते हैं, पर चले मैं इतने हार्श लैंग्वेज नहीं यूज करूंगा, मेरा चहिता, हम इससे बाहर निकल के मेरिटोक्रेसी में आए, और जो परफॉर्म करे जो आए, अगर इसमें कोई किसी नेता का दूर दराज का कोई रिश्तेदार आपके जैसे मुझे बता रहे थे, भाजपा की भी लिस्ट बड़ी लंबी है, मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन उसके पास क्वालिफिकेशन ही एक है कि वो किसी बड़े नेता का रिश्तेदार है या बड़े नेता का उसको संरक्षण प्राप्त है, ये बात गलत है। देखिए, इस पर कंस्ट्रक्टिव डिबेट, 21वीं सदी का भारत, इसको उभर के नए चैलेंजेस, इतना तो यहां पर तो आप मान रहे हैं कि जिसमें क्वालिटी है, जिसने काम किया है, जिसने दौड़ धूप की है, पैराशूट से नहीं आया वहां तक चलेगा, बीजेपी इतना मान सकती है? बिल्कुल मान सकती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। देखें, मैंने कहा तो रोक टोक थोड़ा ना है उसमें कोई, लेकिन मैंने, आपने बिल्कुल ठीक, 70 वर्ष से अब मेरे भाई साहब कह रहे, राहुल जी ने इस्तीफा दिया और अपनी माता जी को बैठक दे दिया, कांग्रेस बार बार कह रही है भाई कि इस वंश के अलावा आप किसी को बनाइए, लेकिन उनका एक जिसे कहते हैं इनर्शिया इतना, नरेश चौहान ने तो अभी बता दिया है, नरेश चौहान ने बता दिया है कि जल्द ही अध्यक्ष पार्टी को मिल जाएगा वो राहुल गांधी ही होंगे, ये लोकतंत्र पार्टी के अंदर का लोकतंत्र, चुनाव से पहले ही इन्होंने जो है घोषणा कर दी अभी कि क्या नतीजा आने वाला है। नरेश चौहान जी, मेरा ये कहना है कि हमारे पूरे देश का जो हमारा वर्कर है जो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ, उनकी भावना है, या क्या हम देश का प्रधानमंत्री, ये हम लोग कैसे कह देते हैं पूरे देश की भावना है? अभी शुरू में उन्होंने भी कह दिया एडवोकेट आर एस पठानिया साहब ने, पूरा देश चाहता था कि वो जो है प्रधानमंत्री बने, पूरा देश कैसे चाहता है भाई? आप देखिए वोट, कितना परसेंट वोट मिला आपकी पार्टी को, दूसरे को कितना मिला, और पूरा देश हम कैसे कह सकते हैं पूरा देश चाहता था कि मैं कह रहा हूं, आज पूरे देश का जो कांग्रेस का कार्यकर्ता, सिर्फ एक लाइन साहब, मैं एक लाइन बता रहा हूं, मेरे पास दर्जनों कांग्रेस के नेताओं के पब्लिक स्पीचे हैं कि मैंने इतने वर्ष पार्टी में दिए और मैं गांधी परिवार का जिसे कहते हैं फेथफुल रहा, उनका मैं ईमानदारी से उनके साथ काम करता रहा,
ये तो वही हो गया ना कि आप इसमें जवाब देंगे अपना। पार्टी में तो आपने वक्त दिया लेकिन आप गांधी परिवार के फेथफुल रहे, ये भी एक बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन है आपकी पॉलिटिकल पार्टी में। तो 21वीं सदी के भारत को उभर के कैसे कहते हैं कि नया भारत बनना पड़ेगा, ये चैलेंजेस को समझना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा फाइनल कमेंट के लिए। एक छोटा सा कमेंट जी बताएं आप, नरेश चौहान साहब इस पर क्या कहना चाहेंगे आप, हाउ आर यू गोइंग टू डिफेंड दिस? नरेश चौहान, मैं बड़ी सिंपल बात कर रहा हूं कि पार्टी के अंदर जो है, क्या अमित शाह जी प्रेसिडेंट बने तो क्या उनको लोगों ने बनाया या मोदी जी ने बनाया था? अब नड्डा साहब है, क्या वो मेरिट पे है या मोदी जी किस पे है, ये पार्टी का इंटरनल मैटर है। लेकिन देश का प्रधानमंत्री वंशवाद से होगा कि उसका बाप उसका बेटा बैठेगा, वो खतरनाक हो सकता है। अब पार्टी के फैसले तो पार्टी के लोग करेंगे। मुझे आप इनसे पठानिया जी से मैं पूछता हूं कि शाह साहब और मोदी साहब दोनों गुजरात से थे तो क्या मेरिट वहीं थी? कौन पूछ रहा है लोकतंत्र को भाजपा के अंदर, किसकी सुनी जा रही है? ये सब भाषण में अच्छा लगता है, बोलने में अच्छा लगता है। नड्डा साहब हिमाचल प्रदेश से हैं और वो किसकी मर्जी पे हैं? कौन है आज, कौन भाजपा के अंदर लीडर है कि जो बोल सकता हो, खड़े होकर बात कर सकता हो? मुख्यमंत्री बनाते हो आप, मोदी जी फैसला करते हैं, जिनको कोई नहीं जानता उनको मौका देते हैं। उत्तराखंड फैसला करता भाई साहब, मोदी जी नहीं करते, मोदी जी करते हैं, कोई बोल नहीं सकता। मोदी जी का दिल करेगा तो किसी से हाथ मिलाएंगे, किसी की हिम्मत नहीं होती उनके सामने हाथ मिलाने की पार्टी के लीडर्स की। ये पर्सनल बातें मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। लेकिन मेरा सिर्फ सवाल ये है कि प्रेम कुमार जी ने बहुत अहम सवाल उठाया है कि पार्टियों के अंदर का लोकतंत्र जो है उसकी चिंता कौन करेगा? क्या किसी भी पार्टी के किसी भी बड़े नेता ने ये कहा है कि पार्टियों के अंदर लोकतंत्र मजबूत हो रहा है या पार्टियों के अंदर लोकतंत्र कमजोर हो रहा है? अब्बास साहब के पास आता हूं, नेशनल प्रेसिडेंट है समाजवादी पार्टी के, आपकी पार्टी पर भी, आपकी पार्टी भी उसी रडार पे आती है कि मुलायम सिंह यादव थे, अब अखिलेश सिंह यादव है। समाजवाद की बात होती थी लेकिन जो पार्टी चलाने वाला है, जो उत्तराधिकारी होगा वो पार्टी में बेटा ही होगा या बहुत बहुत तो चाचा तो खैर दूर कर ही दिए गए। अब्बास साहब देखिए, देखिए जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है तो समाजवादी पार्टी को चुनाव आयोग ने सिंबल दिया था सदस्यता, जो सदस्यों ने अखिलेश जी के साथ थे, जो हमारी जनरल काउंसिल थी समाजवादी पार्टी की, तो उसके आधार पे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश जी चुने गए हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सब कोर्ट में मामला गया था सबके सामने। लेकिन आप ब्रेक में चले गए थे, मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाया था। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने एकनाथ शिंदे जी का नाम लिया और साथ में ठाकरे साहब का नाम लिया। ठाकरे जी का परिवारवाद दिख गया लेकिन एकनाथ शिंदे जी जो इनके साथ में आ गए, उनके बेटे श्रीकांत शिंदे सांसद है, वो इनको नहीं दिखा। ये भारतीय जनता पार्टी के डबल स्टैंडर्ड है, इनका दोहरा चरित्र है। इसी तरीके से आपने असम का इशारा किया तो मुझे हेमंत बिश्व शर्मा जी की भी याद आ गई, जिनके ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी ने एक बुकलेट जारी करी थी और उनको जो आपका पानी का जो है जो स्कैम हुआ था उसमें मुख्य आरोपी कहा था। लेकिन जब वो भाजपा में आ गए तो वो सबसे साफ होकर उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। ऐसे अनेकों उदाहरण है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है, ऐसा उनके पास होली वाटर है जिससे जो भी वो भारतीय जनता पार्टी में आता है वो पास साफ हो जाता है। अगर नेपोटिज्म की बात करें तो इनको अपनी पार्टी में नहीं दिखता, अगर भ्रष्टाचार की बात करें इनको अपनी पार्टी में नहीं दिखता। ऐसे आप शुभेंदु अधिकारी की बात कर लीजिए, ईडी और सबकी जांच उनके ऊपर हो रही थी लेकिन जब से वो भाजपा में आए कोई जांच नहीं होती, कोई इंक्वायरी नहीं होती। इसी तरीके से एक महाराष्ट्र के सांसद ने यह बात कही कि मैं अब भारतीय जनता पार्टी में आ चुका हूं, अब मैं सुकून से सोऊंगा रात में, अब मेरे पर ईडी और कहां से कोई भाषणबाजी कर रहे हैं। और एक और बहुत महत्वपूर्ण वजह बता रहा हूं आपको, जो विमर्श किया प्रधान, कल डेडलाइन थी, प्रधानमंत्री जी ने एक भाषण में कहा था कि 15 अगस्त 2022 तक हमारे देश के हर परिवार के पास अपना घर होगा, अपनी छत होगी जिसमें पानी भी होगा, जिसमें बिजली भी होगी, जिसमें जो है टॉयलेट भी होगा, जिसमें सारी सुख सुविधाएं होंगी। क्या आज हमारे देश के हर परिवार को घर मिल चुका है? नहीं मिला है। इन विषयों का जवाब प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री ने तो मुझे लगता है कि शायद इस पर इशारा कर ही दिया कि नेपोटिज्म और भ्रष्टाचार जो है वो हमें वो तरक्की के जो स्टेप्स उन्हें पूरा नहीं करने दे रहा है, हम उस निशाने को हासिल नहीं कर पा रहे।
देखिए भ्रष्टाचार को खत्म करें, हम तो चाह रहे हैं, अरे हम तो सबसे साफ के शाना बशाना आपके साथ चलेंगे, आप भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए दो कदम आगे तो बढ़िए, लेकिन आप सिर्फ भ्रष्टाचार, आप भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कहां आगे बढ़ रहे हैं? भ्रष्टाचारी तो आपके साथ बैठे हैं, आपके साथ फोटो खिंचाते हैं, आपके साथ जो है आप उनको सहयोग कर रहे हैं, ये हम सबको देखने को मिल रहा है। तो भाषणबाजी हो रही है, घर दीजिए, जो हमारे देश के बेघर लोग हैं उनको घर देने का वादा किया था, डेडलाइन पूरी होगी उस पर तो एक शब्द कही कब दे रहे हैं, डिले हो गया, एक साल बाद देंगे, छह महीने बाद देंगे, कब देंगे बताइए। वरिंदर सिंह सोनू साहब पीडीपी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए ऐसे है कि जो अभी जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे थे कि भ्रष्टाचार कब खत्म होगा जाए, भाई मैं तो कहता हूं कि जो इन्होंने भी कहा कि 15 अगस्त 2022 डेडलाइन थी हर घर हर आदमी के लिए मकान की, भाई उससे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत वादे किए इसे देश के साथ, 15 लाख रुपया हर एक देशवासी के अकाउंट में आना था, उसके बाद यहां पर काला धन वापस आना था, पूरे मतलब हिंदुस्तान का नक्शा बदलना था, वो तो आज तक कुछ हुआ नहीं, ना 15 लाख आए ना कुछ है। लेकिन एक बात मैं यहां कहना चाहूंगा कि ये भ्रष्टाचार की और परिवारवाद की बात सिर्फ जनता का ध्यान असल मुद्दों से हटाने के लिए है, ना तो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार से बच सकती है क्योंकि इनके साथ भ्रष्टाचारी हैं, ये खुद करप्ट हैं। ये मैं आप अगर जम्मू कश्मीर की अगर बात करूं तो यहां पर गवर्नर थे सत्यपाल मलिक साहब, जो आजकल शायद गोवा के गवर्नर हैं, उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड मीडिया के सामने कहा था कि जब मैं यहां पर गवर्नर था तो मुझे 100 करोड़ रुपए रिश्वत देने की कोशिश की गई, आज तक वहां पर जांच नहीं हुई, आज तक कोई एजेंसी वहां बात करने नहीं आई भी वो लोग कौन थे। और दूसरी बात, आप परिवारवाद की बात कर रहे हैं, यहां पर संघ परिवार, सुनिए यहां जो संघ परिवार है उसके कहने से टिकट मिलती है भारतीय जनता पार्टी में। मेरे साथी हैं पठानिया साहब, जम्मू कश्मीर से आते हैं, रामनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, ये बीजेपी की टिकट पर 2014 में जीते हैं, इनके पिताजी पहले कांग्रेस में थे, उन्होंने बहुत काम किया कांग्रेस के लिए, उनकी ग्राउंड बनी चली जो 2014 में वहां से जीते। लेकिन मैं कहता हूं कि जहां जिस पार्टी की टिकट संघ परिवार डिसाइड करता है तो वो तो जो उनका चेहता उनको टिकट देते हैं, बहुत सारे लोग तो रह जाते होंगे। मैं तो कहता हूं कि बाकी पॉलिटिकल पार्टियों में ऐसी बात तो नहीं है ना, वहां पर तो लीडरशिप तय करती है कि कौन आदमी लगेगा। इशारा किया था प्रेम कुमार जी ने भी, प्रेम कुमार जी आता हूं, लेकिन पठानिया साहब पठानिया आप कुछ कहना चाहते हैं? हां छोटा सा रिएक्शन आपका जी, आप क्या जवाब देना चाहते हैं? मेरे मित्र ने मेरे एक पर्सनल लाइफ पे कमेंट बताया, अच्छी बात है, आपने मौका दिया तो मैं एक्सप्लेन करूंगा आपके ध्यान में। उन्होंने बुराई नहीं की, उन्होंने कहा कि आपने काम किया था नहीं, सुने आप अच्छी इसी विषय से जुड़ा बात है कांग्रेस का, जिसे कहते हैं सबसे पहले तो एक इलेक्शन कमीशन कॉन्फ्रेंस में और इंटरनेशनल एक कॉन्सेंसस है कि इनर पार्टी डेमोक्रेसी को भी स्ट्रेंथन करने की हर पॉलिटिकल पार्टी कोशिश करेगी, इसीलिए हर बार बूथ की इनकी लिस्ट, जिला की लिस्ट, स्टेट का जो चुनाव उसका रिटर्निंग ऑफिसर निष्पक्ष तरीके से, इलेक्शन कमीशन भी इसमें कोशिश करता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का कंट्रोल इतना है नहीं। आपने अभी जो बात की मेरे पिताजी का, वहां आपके ध्यान में रहेगी मेरे पिताजी ने 5 दशक कांग्रेस में दिए हैं, 10वीं में उनका पोजीशन होल्डर है, 12वीं के पोजीशन होल्डर और डीएसपी की नौकरी पे सरकार ने लगाया था। 5 दशक कांग्रेस में देने के बावजूद भी, जिसे कहते हैं एक 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 जिसे कहते हैं नॉमिनेटेड कभी टेलीफोन कमेटी का कभी मेंबर भी कांग्रेस ने उनको, जिस तरीके से कांग्रेस ने इनर पार्टी डेमोक्रेसी में पीपल ऑफ सब्सटेंस को रोका है, मैं अपनी बात खुद नहीं करता पर आपने की, तो जो अब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने फैसला लिया वहां पे और हमारे लोगों ने भी फैसला किया, चुनाव लड़े और कोशिश की काम करने की, सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड जीता हूं जम्मू कश्मीर से, तो काम किया, काम करके बताया उसमें। चलिए तो नरेश साहब वक्त थोड़ा कम रह गया है, मुझे अपने मेहमान के पास जाना है। प्रेम कुमार जी मैं चाहता हूं कि इस पे थोड़ा सा एक कंक्लूजन रिमार्क्स कुछ आए, एक तो ये कि टाइमिंग, दूसरा ये कि लाल किले से कहना जब पूरा देश और देशवासी चाहे कि दुनिया के किसी कोने में वो इस बात को सुन रहे होते हैं, और साथ ही साथ इस बात से जोड़ना कि भ्रष्टाचार इससे जुड़ा है परिवारवाद से, और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जागरूकता इतनी होनी चाहिए कि जनता के बीच उन्हें नीचे नजरों से देखा जाए, इसका राजनीतिक क्या मतलब है? प्रेम कुमार जी, परिवारवाद का भ्रष्टाचार से संबंध है, ये पूरे भ्रष्टाचार के कैनवस पर एक बहुत छोटी सी बात है, पर दोनों में संबंध है, इसको नकारा नहीं जा सकता, लेकिन भ्रष्टाचार का जो डायमेंशन है वो बहुत बड़ा है। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि एक तरफ करोड़ों रुपए रखने के लिए पैसे नहीं है और एक तरफ गरीबों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो जी सके,
तो दोनों ही वर्तमान स्थिति है और खुद नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहिए कि उनकी सरकार में ये दोनों स्थितियां क्यों है और ये स्थितियां बड़ी है, अमीर और अमीर हुए हैं, गरीब और गरीब हुए हैं, इसमें कोई सुधार नहीं हुआ है नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, बल्कि और खराब स्थिति आई है। तो ये जो दोनों बातें उन्होंने कही उदाहरण के तौर पर अपनी बात समझाने के लिए, वास्तव में ये अपने ही खिलाफ वो बोल रहे थे कि हमारी ही सरकार में एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास करोड़ों रुपए रखने के पैसे नहीं है और हमारी ही सरकार में एक तरफ वो लोग हैं जिनको खाने को पैसे नहीं है। तो ये जो हालात है भ्रष्टाचार के कारण है, तो इस बात को प्रधानमंत्री जी ने माना है, तो इसको दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया है ये रोड मैप बताना चाहिए या पिछले जिस रास्ते पर वो चले हैं वो बताना चाहिए। उसका अभाव रहा निश्चित रूप से, लेकिन समस्या को उन्होंने इंगित किया, इसलिए देश उनके भाषण को इस रूप में जरूर याद रखेगा। जी बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस खास विषय पर अपनी बातें रखने के लिए, एडवोकेट पठानिया साहब, वरिंदर सिंह सोनू साहब, प्रेम कुमार जी, नरेश जी और अब्बास जी, बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहें न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ।